क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे, मैंने वही कहा ना, ये रास्ते में चनाब में सबसे बड़ा ऊंचा पुल बना है, वहाँ से जाके छलांग लगाएंगे चनाब में। बहुत शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती जी को यकायक क्यों याद आ गई? अब जम्मू में भी कोई अपने रहते हैं, ये तो वही महबूबा मुफ्ती है जो चीख चिका के बोलती थी कि देखिए 370 से छेड़छाड़ की तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महबूबा मुफ्ती वही महबूबा मुफ्ती है जिसने ये कहा था कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। आज कल ये बयान दे रही थी कि ये तिरंगा हमने ही थामा हुआ है। जिन लोगों ने बलात्कार किए, जिन लोगों ने मारा, वो सब कश्मीरी ही थे और उनके सारे जो आका थे ये यही लोग थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला था, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था जो होम मिनिस्टर था, क्योंकि गवर्नर जगमोहन उस वक्त अगर रह जाते तो ये आतंकवाद का नामो निशान खत्म हो जाता उसी वक्त। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अभी इसमें पूरा सच नहीं आया, बहुत सी चीज़ें सेंसर हुई हैं। अगर पूरा सच जनता के सामने आ जाए इन लोगों को फांसी लगना पड़ेगा, खुद ये फंदा लगा के ना झूल जाएंगे किसी पुल के साथ। ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और इसका स्पॉन्सर करने वाला फारूक अब्दुल्ला था जो खुद JKLF चलाता था, इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान के साथ बैठ के उनके साथ बिरयानी खाता था, और ये मक्कार जो है यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया, और इन्होंने इनके बाप ने और इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, और उस वक्त इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ी गलती की शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाला। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अब तो 2024 से पहले पहले POK जो है वो इंडिया के साथ होगा। क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे, मैंने वही कहा ना, ये रास्ते में चनाब में सबसे बड़ा ऊंचा पुल बना है, वहाँ से जाके छलांग लगाएंगे चनाब में। एक बार दोबारा से महबूबा मुफ्ती को जो है वो जम्मू की याद आ रही है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो ये कहती थी अगर धारा 370-35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो तिरंगा उठाने वाले नौजवान नहीं रहेंगे, हाथ नहीं रहेंगे। आज वही महबूबा मुफ्ती कल विजयपुर में, आज सलातिलो में और परसों कहीं और जाने के जो है वो सलाह की जा रही है कि जम्मू के लोगों के बीच में अपने लिए थोड़ा सा प्यार इकट्ठा किया जाए, जो कि असंभव सा नज़र पहले भी आता था और आज भी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चंद्रप्रकाश गंगा जी हैं, भाजपा के सीनियर नेता हैं। ये महबूबा मुफ्ती जी को यकायक क्यों याद आ गई? अब जम्मू में भी कोई अपने रहते हैं, ये तो वही महबूबा मुफ्ती है जो चीख चिका के बोलती थी कि देखिए 370 से छेड़छाड़ की तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महबूबा मुफ्ती वही महबूबा मुफ्ती है जिसने ये कहा था कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज कल ये बयान दे रही थी कि ये तिरंगा हमने ही थामा हुआ है। अब ये समझ नहीं आती कि एक तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, अब ये कहती तिरंगा हमने पकड़ा हुआ है, ये सब झूठे हैं, गद्दार हैं, मकार हैं। इन्होंने जो देश के साथ धोखा किया है, जम्मू कश्मीर के साथ जो धोखा किया है, इनका जो प्लान था, ये जेनोसाइड का प्लान जो है वो खाली कश्मीर का नहीं था। आप इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर डोडा में उस वक़्त हमारी केंद्र में सरकार आई और उस वक़्त 16,000 ऑटोमेटिक वेपन दिए थे जो लोग BDC के मेंबर बने थे, अगर वो वेपन नहीं दिए होते तो डोडा खाली हो चुका होता। वहाँ पर बड़े बड़े नरसंहार हुए और ख़ासकर आपने देखा होगा कि 20-20 लोगों का, 25-25 लोगों का, पूरी पूरी बारात का, पूरे पूरे गांव का नरसंहार करके इन्होंने वो इलाका जो था वो दहशत मचा दी थी। और आप ग्रिफ के जो है उसका जो इंजीनियर था उसका अपना फाड़ के, छाती फाड़ के उसका दिल जो है वो भून के खाया था इन्होंने। कहाँ क्या क्या उसके साथ किया था, अमानवीय कृत किए थे, क्योंकि ये मानव है ही नहीं। और इन लोगों ने खासकर जो आतंकवाद जो आया है, ये सब एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी आतंकवाद जो है सबसे ख़तरनाक वो था। जिन लोगों ने पहले मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, जब ये पिक्चर जब आई द कश्मीर फाइल तो ये कहते हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कश्मीरी पंडितों को पूछो ना, जिन लोगों ने बलात्कार किए, जिन लोगों ने मारा, वो सब कश्मीरी ही थे और उनके सारे जो आका थे ये यही लोग थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला था, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था जो होम मिनिस्टर था, क्योंकि गवर्नर जगमोहन उस वक्त अगर रह जाते तो ये आतंकवाद का नामो निशान ख़त्म हो जाता उसी वक्त, लेकिन इन्होंने उसको बदनाम करके बाहर निकाला और यहाँ पर
एक किस्म का तांडव मचा दिया और सारे लोग वहां से भगा दिए। अब लगता है ये सच्चाई दुनिया के सामने ना आए, इसलिए महबूबा मुफ्ती जो है वो ट्वीट करती हैं बार बार कि इस फिल्म को नहीं दिखाना चाहिए, आम जनता को वो 19 जनवरी 1990 की सच्चाई पता चल जाएगी, वो डर वो भय अंदर अभी भी है इनके कि ये ना हो कि यह 1990 में था, भुगतना 2022 में पड़ेगा। भाई साहब एक चीज़ है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अभी इसमें पूरा सच नहीं आया, बहुत सी चीज़ें सेंसर हुई हैं, अगर पूरा सच जनता के सामने आ जाए इन लोगों को फांसी लगना पड़ेगा, खुद ये फंदा लगा के ना झूल जाएंगे किसी पुल के साथ, लोग इनको चलने नहीं देंगे, एक कदम नहीं चलने देंगे जो इन्होंने धोखा किया देश के साथ और जनता के साथ, सारी क्रिएशन इनकी है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे एक मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो मुझे कहने लगे जी हमारे एरिए में कैंप लगा हुआ था, ट्रेनिंग कैंप, तो मुझे मेरे गांव के लड़के कहते हैं देखो जी डक्सम में कैंप लगा हुआ है, उस वक्त जलानी साहब थे यहाँ के डीजी और ये वो चला रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मैं पूछता हूँ, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है, मुंह बंद रखना, मुंह मत खोलना नहीं तो तुम्हारा भी मुंह बंद हो जाएगा। ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और इसका स्पॉन्सर करने वाला फारूक अब्दुल्ला था जो खुद JKLF चलाता था, इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तान के साथ बैठ के उनके साथ बिरयानी खाता था, और ये मकार जो है यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया, और इन्होंने इनके बाप ने और इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, और उस वक़्त इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ी गलती की शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाल के। फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में होते हैं कुछ और बोलते हैं, श्रीनगर जाते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, फिर कहते हैं कि 370 को वापस लाने के लिए चाइना का साथ चाहिए, जम्मू में बैठते हैं तो राम राम करते हैं, ये आपको लगता है ये सब चेहरे जो अलग अलग दिखते हैं पब्लिक के सामने अब पेश हो गए? क्या बात करते हुए ये 370 तोड़ रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ अब तो 2024 से पहले पहले POK जो है वो इंडिया के साथ होगा, चाहे वो प्यार से हो जाए, चाहे वो डिप्लोमेसी से हो जाए, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन से हो जाए, अगर बाई चांस इस वक्त नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं बाकी क्राइसिस बहुत हैं, तो 2024 के बाद आ जाएगा और सारा मसला जो है ये जो कहते हैं वो हल हो जाएगा। इन नेताओं का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे, मैंने वही कहा ना, ये वो रास्ते में चुनाव में सबसे बड़ा ऊंचा पुल बना है, वहाँ से जाके छलांग लगाएंगे चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो चंद्रप्रकाश गंगा जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि देखिए 70 सालों में जो कुछ ये जो कश्मीर के नेतागण हैं उन्होंने जो किया है गुमराह करने की जो कोशिश की है जम्मू कश्मीर के वासियों को, अब ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनको वही सजा मिली थी मिलेगी आने वाले समय में जो उन्होंने कर्म किए हैं। आप देखते रहिए JK Paris, राहुल खत्री JK Paris के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।